बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने जब 8 अगस्त को बतौर अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्हें बधाई दी। साथ ही यह भी कहा कि वे हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। पीएम मोदी की इस अपील को बांग्लादेश सरकार ने गंभीरता से लिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस 13 अगस्त को राजधानी ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर यूनुस ने पुजारियों, बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के अधिकारियों और हिंदू समुदाय के कई लोगों से मुलाकात की। लोगों से बातचीत के दौरान यूनुस ने कहा कि लोकतंत्र में कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं होता, हम सभी एक हैं और सभी के लिए अधिकार बराबर हैं। उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों से धैर्य रखने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि उनकी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला करने वालों को दंडित करेगी। वहीं बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने हिंदू हमलों पर हो रहे हमले की जानकारी के लिए एक हॉटलाइन भी बनाई है। सरकार ने हिंदू समुदाय के लोगों से आग्रह किया है कि वह ऐसे किसी भी हमलों की जानकारी प्रशासन और सरकार को जरूर दे। दूसरी तरफ अंतरिम सरकार ने हिंदू त्योहारों को देखते हुए बांग्लादेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के भी निर्देश दिए हैं। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद 26 अगस्त को पहला हिंदू त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाएगा। ऐसे में सरकार ने एजेंसियों को कड़े सुरक्षा इंतजाम करने को कहा है। मोहम्मद यूनुस का यह कदम हिंदू समुदाय के बीच विश्वास बहाली के तौर पर देखा जा रहा है। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर किए गए मोहम्मद यूनुस के वादे और ढाकेश्वर मंदिर का उनका दौरा ऐसे समय में हुआ जब बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस ने कहा कि 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद से अल्पसंख्यक समुदाय को 48 जिलों में 278 स्थानों पर हमलों और धमकियों का सामना करना पड़ा। दरअसल शेख हसीना ने जैसे ही बांग्लादेश छोड़ा, हिंदुओं पर कहर टूट पड़ा। वे कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए, उनके घरों पर हमले हुए, उनके घरों और दुकानों में लूटपाट की गई, कई मंदिरों को तोड़े गए। वो कांप रहे हैं, हर जगह हर परिवार डरा हुआ है, यहाँ तक कि ढाका में भी जो फ्लैट्स में हैं, वहाँ भी लोग डरे हुए हैं। वो अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, कौन खटखटा रहा है इसकी पुष्टि किए बिना वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले क्यों हुए, इस बारे में ढाका से बता रहे हैं सेंटर फॉर गवर्नेंस स्टडीज के कार्यकारी निदेशक जिलुर रहमान। कुछ हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, ऐसा नहीं है जो हम विभिन्न कोनों से सुन रहे हैं। मूलतः ये राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि इसमें अवामी लीग को निशाना बनाया गया। तो कुछ हिंदू हैं, वो अवामी लीग के नेता हैं, वो अवामी लीग में कुछ पदों पर हैं। यही इन हमलों का प्रमुख कारण है, ये धार्मिक रूप से प्रेरित नहीं है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं का सब्र भी जवाब देने लगा। उन्होंने हिम्मत और धार्मिक प्रतिबद्धता दिखाते हुए राजधानी ढाका और कई शहरों में प्रदर्शन किया। इन साहसपूर्ण प्रदर्शनों का असर यह हुआ कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के बाद दुनिया भर की नज़र बांग्लादेश की तरफ गई। भारत के कई शहरों से लेकर अमेरिका और ब्रिटेन तक में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। इस वैश्विक दबाव का असर यह हुआ कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंदुओं को उनकी सुरक्षा का वादा किया है। मोहम्मद यूनुस 13 अगस्त को जब ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे, उन्होंने वहां पहुंचकर हिंदू समुदाय के लोगों से क्या कहा, उन्हें क्या भरोसा दिलाया, ये सुन लीजिए। ये तो आप लोग जानते हैं कि ढाकेश्वरी टेम्पल मंदिर, ये तो बांग्लादेश का जातीय मंदिर है, ठीक है, नेशनल मंदिर है। तो यहाँ पे उन्हीं आए थे, उन्हें हम सबको ये विश्वास दिलाकर गया है कि सारे बांग्लादेश में जो मारपीट, जो हंगामा, जो तोड़फोड़ हुई, जितने सारे क्राइम हुए, उन सब का उन्होंने रियलिटी भावे खोद के निकाल के उन सब का विचार उन करेंगे, इन्वेस्टर करके, हाँ। एवं उसके साथ साथ उसने हमारे एक हम सबको ये भी बिलीव दिलाया है, हम सबको भरोसा दिया है कि अभी जो अंतर्वर्तीकालीन सरकार है ये हमारे साथ है, हम जब चाहे उनको बुलाए
वो हमारे साथ रहेंगे पॉजिटिवली। उन्हीं आमदर के हम सबको ये विश्वास दिलाया है और मैं आपको सबको ये सब अदबा करना चाहता हूँ कि सारी बांग्लादेश में जो हुआ है वो नेचुरली बिलीव करना जैसा नहीं है। हम लोग शुरू से 1971 के बाद व उसके पहले से जब भी कोई सरकार गिरती है बा चेंज होता है सबसे पहले हमारे ऊपर आक्रमण होता है। हम ही सब रोशन का हिस्सा है। सकल राजनीतिक जो दल है सब हमारे ऊपर रोष है। हम विश्वास रखते हैं कि उसने हमें जो विश्वास दिलाए हैं वो जरूर पूरा करेंगे। ये हमारा अंतर का विश्वास है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर अमेरिका भी चिंता में है। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि वो बांग्लादेश के हालात पर निगरानी जारी रखेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जापियर ने 12 अगस्त को संवाददाता सम्मेलन में इस मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने क्या कहा ये भी जान लीजिए। हम निश्चित रूप से हालात पर निगरानी जारी रखेंगे। मेरे पास इसके अलावा और कुछ कहने को नहीं है, लेकिन जब भी मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों की बात आती है तो राष्ट्रपति जो बाइडेन सार्वजनिक रूप से और निजी तौर पर स्पष्ट और बेबाक तरीके से बोलते रहे हैं और ऐसे ही बोलते रहेंगे। हालांकि बांग्लादेश में कई इलाकों में स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर मुस्लिमों को मंदिरों की रक्षा करते भी देखा गया है। शेख हसीना के जाने के बाद हमले बढ़ गए हैं। इसकी वजह यह है कि वो हमें सपोर्ट करती थीं। मुस्लिम भाई बहन हमारे साथ हैं। मुस्लिमों का इस तरह हिंदू मंदिरों की रक्षा करना, देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख का हिंदू मंदिर जाना और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कई वादे करना तनाव भरे बांग्लादेश के माहौल में शांति लाने का एक प्रयास है। मोहम्मद यूनुस का हिंदू मंदिर का दौरा और हिंदुओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाने को भारत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के मौजूदा सरकार भारत से रिश्ते को और मजबूत करना चाहती है और यह सब कदम इसी कड़ी में उठाए जा रहे हैं।